दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में एक बार आपका स्वागत है। तो आज की कड़ी में दोस्तों हम लोग UGC नेट के अंतर्गत जो हमारा विषय है वह है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बनते हैं, उन श्रृंखलाओं में चलते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का सप्तांग सिद्धांत निम्नांकित में से किससे संबंधित है। ठीक है, जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है किससे संबंधित है। ऑप्शन आपका देखिएगा, मनु से, कौटिल्य से, भीष्म से, कामांधक्ष से। तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका कौटिल्य। आपको पता ही होगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, इन्हीं से हमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है उसमें ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का मुख्य स्रोत क्या है। स्मृतियाँ हैं, वेद, महाभारत, अर्थशास्त्र। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका अर्थशास्त्र। अभी पीछे ही हम लोगों ने देखा कि चाणक्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो ठीक है, हमें उसकी पूरी जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के विषय में पूरी जानकारी हमें मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है उसकी ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए तीसरा, द एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं। विलियम रॉबसन, जॉन रोल्स, रॉबर्ट नाजिक, एलटी हॉब्सहाउस। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों है जॉन रोल्स। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। राजनीति विज्ञान के आरंभ और अंत राज्य हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य है, यह कथन किसका है। तो गार्नर का, गेटिल का, लास्की का, ब्लांसली का। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों है आपका गार्नर का, गार्नर महोदय का। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से गिने जाते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विचारक ने किया था। प्लेटो ने, अरस्तु ने, मैकियावेली ने, हॉब्स ने। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका जो सही उत्तर है क्या है। जी, इसका सही उत्तर हुआ है प्लेटो। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, पोलिस यानी पुलिस नहीं, पोलिस। ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस का शब्द है, पोलिस शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, राज्य, राजनीति, नगर राज्य या सरकार। तो आपने अरस्तु की परिभाषा को पढ़ा होगा जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पोलिस शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, किस विचारक के अनुसार नागरिक हुआ है जो राज्य कार्यों में भाग लेता है। यानी किस विचारक ने कहा था कि नागरिक हुआ है जो राज्य कार्यों में भाग लेता है। आपका ऑप्शन है प्लेटो, बोधा, अरस्तु, जे एस मिल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों अरस्तु। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कौन है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका उत्तर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नागरिकता राजनीतिक बंधन का सूत्र है और वह इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह कितना मजबूत है, यह कथन किसका है। तो जे एस बार बेलर का, ब्लैक बिल इनसाइक्लोपीडिया का है, टी एच मार्शल का है, रॉबर्ट हुक का है। तो दोस्तों बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, ध्यान रखिए आप। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों है आपका पहला ऑप्शन, जे एस बार बेलर महोदय का आपका एक कथन है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, नौवां क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, या किसका कथन है। तो ब्राइस महोदय का, गार्नर का, स्ट्रांग महोदय का, डी टोकवेली का, थॉमस पेन का। तो ये जो इसका सही उत्तर है वो आपका दोस्तों डी ऑप्शन है, डी टोकवेली और थॉमस पेन का ये कहना है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
दसवां नंबर का क्वेश्चन हमारा दोस्तों कह रहा है कि संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है, यह कथन किसका है? तो जेलिनिक महोदय का है, अरस्तु का है, डाइसी का है और हरमन फाइनर का है। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका दोस्तों है, वो पहला आपका ऑप्शन है, वो है जेलिनिक महोदय का कहना है। ठीक है, संविधान एक पद्धति का प्रतीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 11 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, सामाजिक न्याय की अवधारणा निम्नांकित में से किस प्रकार के राज्य के अनुकूल है? राजतंत्रात्मक राज्य के, लोक कल्याणकारी राज्य के, समाजवादी राज्य के और संघीय राज्य के। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है लोक कल्याणी राज्य के अंतर्गत ये गिना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से, ठीक है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य के कुल 4 तत्व हैं, आपका निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है। तो इसमें से जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा है? वो है आपका संप्रभुता। ठीक है, तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका संप्रभुता दोस्तों। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है उसको देखते हैं, वो क्या कह रहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए, निम्नांकित में से किस आधार पर नागरिकता नहीं प्राप्त होती? जन्म द्वारा, व्यवसाय द्वारा, वंश द्वारा, विवाह द्वारा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों है वो आपका है व्यवसाय द्वारा नागरिकता नहीं प्राप्त होती, और तीनों आधार पर नागरिकता दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत का संविधान है, ठीक है, विकसित संविधान है, कठोर संविधान है, अलिखित संविधान है, लिखित एवं निर्मित संविधान है। तो इसकी भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत है, तो आप बताइए इसका जो सही उत्तर है वो, इसका सही उत्तर है वो दोस्तों है आपका है लिखित एवं निर्मित संविधान, हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए क्या कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ब्राइस महोदय ने, गवर्नर ने, स्ट्रांग महोदय ने, जेम प्रथम ने। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बताइए क्या है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका जेम्स प्रथम ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उसका जो पहला ऑप्शन है आपका प्लेटो ने, दूसरा है बोंदा ने, तीसरा है अरस्तु ने, चौथा है जे स्मिल ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों आपका है प्लेटो ने। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। ठीक है दोस्तों, पहला 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या कह रहा है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, यानी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा देखेंगे ब्राइस महोदय ने, दूसरा है गार्नर ने, तीसरा है कार्ल मार्क्स ने, चौथा है जेम्स प्रथम ने। इसका सही उत्तर आप दोस्तों गेस करिए जी, इसका सही उत्तर क्या है वो है आपका कार्ल मार्क्स ने, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिसने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को भी दिया, और उसने दास कैपिटल नामक पुस्तक भी लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए कार्ल मार्क्स को, तो यूजीसी नेट के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से गिने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते रहे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली में पहला ऑप्शन है, दूसरा गोवा में, तीसरा है महाराष्ट्र में, और चौथा है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर चॉइस करिए दोस्तों, वो कहाँ हुआ था, यानी संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो चलिए वो हुआ था दोस्तों वो आपका दिल्ली में। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये कब हुआ था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उसको दोस्तों किया था कार्ल मार्क्स ने किया था। वो देखते हैं क्या कह रहा है कि संपत्ति संबंधी यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो दोस्तों बताइए किसने किया था। हमारा पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक ने, और चौथा दोस्तों है दादा भाई नौरोजी ने। तो आप गेस करिए यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको किया था महात्मा गांधी जी ने किया था। तो दोस्तों ये हमारे कुल
आपके यूजीसी नेट के अंतर्गत 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए और चैनल वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगली कड़ी में फिर से मिलते हैं।